नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ी अपडेट बताना चाहूँगा कि क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स, कंपार्टमेंट वाले एग्ज़ाम्स बहुत जल्द होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्लास 9 और क्लास 11 के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स जल्दी ही होंगे और वो जल्दी ही होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि उनके स्कूल की तरफ से उन्हें कॉन्टैक्ट किया गया है और कॉन्टैक्ट करने के बाद ये पूछा गया है कि वो एग्ज़ाम को कैसे देना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। साथ में तीसरा ऑप्शन भी दिया गया है। तीसरा ऑप्शन ये कि आप एग्ज़ाम ही मत दीजिए। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो क्या होगा? अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आप उसी क्लास में रहेंगे जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई थी। तो ये तीन ऑप्शंस स्टूडेंट से मांग लिए गए हैं कि आपको क्या करना है, एग्ज़ाम को ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, या फिर एग्ज़ाम देना ही नहीं है, अपनी पुरानी वाली क्लास को रिपीट करना है। तो स्टूडेंट को जौन सी भी चॉइस सही लगे वो ऑप्ट कर सकते हैं। कम से कम चलो फाइनली डिसाइड तो हुआ कुछ कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे या कब होंगे। कम से कम जो स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन चल रही थी कि वो अपनी पुरानी क्लास को पढ़े या आगे वहाँ आने वाले बोर्ड्स की तैयारी करें, तो ये कन्फ्यूजन इन सभी स्टूडेंट्स की बहुत जल्द ही अब दूर होने वाली है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि CBSE की तरफ से आज यानी कि 12 सितंबर को अपडेट आया है कि एडमिट कार्ड्स कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स के, जो कि 2020 में होने वाले थे सेप्टेम्बर में, तो उसके लिए जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आ चुके हैं वेबसाइट पर, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो रेगुलर कैंडिडेट और प्राइवेट कैंडिडेट दोनों के लिए मैं बताऊंगा किस तरह से आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाइए आप अपने ब्राउजर पर, वहां टाइप कीजिए www.cbse.nic.in। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको क्लिक फॉर CBSE वेबसाइट पे जाना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां आपको सबसे टॉप पे एडमिट कार्ड फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 दिखाई देगा और साथ में बगल में प्राइवेट कैंडिडेट का भी दिखाई देगा। तो पहले प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट्स को स्कूल का सहारा नहीं होता, बेचारे काफी परेशान होते हैं। तो प्राइवेट कैंडिडेट पे मैंने क्लिक किया है। प्राइवेट कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहां आपसे एडमिट कार्ड आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहां पर आपको देखिए पता चल जाएगा कैसे कैसे आपको सर्च करना है अपना एडमिट कार्ड। तो आपके पास देखिए सर्च करने के लिए आपको यहां पर एप्लीकेशन नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर यानी कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई गई थी बोर्ड में या फिर आपने जब अभी फीस पे करी होगी उसका एक एप्लीकेशन नंबर होगा, वो आपने यहाँ फिल कर देना है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट वाले स्टूडेंट्स, प्रीवियस रोल नंबर एंड ईयर, यानी कि पिछला जो रोल नंबर था आपका वो भर सकते हैं और वो ईयर जिसमें आपने एग्जाम दिया था, या फिर कैंडिडेट नेम जो आपका नाम है वहां पर देखिए नाम में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, ये सारा फिल करना पड़ेगा। इसको फिल करने के बाद आप सीट करेंगे, वहां आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो वहां से जाकर प्राइवेट कैंडिडेट जो भी सितंबर में 2020 में कंपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी प्राइवेट कैंडिडेट वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए वो, और वो अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सके, उन्हें ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े और ना ही उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, ताकि वो अपना पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा टाइम कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में दे सकें। तो इस तरह जो भी प्राइवेट कैंडिडेट है इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यूज करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। आई होप सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कैंडिडेट नेम वाला, क्योंकि कहीं पर भी प्राइवेट कैंडिडेट होगा उसको शायद अपना रोल नंबर ना याद हो, प्रीवियस ईयर ना याद हो। रोल नंबर वैसे याद होना चाहिए, काफी स्टूडेंट्स याद रखते हैं,
बट कैंडिडेट को अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये तो खैर डिटेल्स याद रहती ही हैं। तो इस तरह से कोई भी प्राइवेट कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेगा। अब बात करते हैं रेगुलर कैंडिडेट्स की। तो रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए हम दोबारा से CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहां पर देखिए आपको फिर से दिखाई देगा यही एडमिट कार्ड फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम 2020। तो आपको इस बार उस पर क्लिक करना है, प्राइवेट वाले पे नहीं क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब इसमें जो डिटेल मांगी गई है, आप कंफ्यूज होंगे कि यार इसमें हम क्या डिटेल भरे। तो इसमें जो डिटेल भरनी है वो आपके स्कूल वालों ने भरनी है। तो एंटर योर एफिलिएशन नंबर एंड पासवर्ड सेम एज यूज्ड फॉर क्लास 9 क्लास 11 रजिस्ट्रेशन। तो ये स्कूल वाले भर के आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन सारा का सारा भर के वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो आपको स्कूल वाले से कॉन्टैक्ट करना है ताकि आप समय रहते एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सके। आपको अपने सेंटर्स के बारे में पता चल सके कि आपके सेंटर्स कहाँ पर अलॉट किए गए हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप जाने आने की तैयारी भी कर सकें। तो जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं वो अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए एक बार अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करेंगे। वहाँ जाके आपको आपके स्कूल टीचर या तो आपको ईमेल कर देंगे या फिर आपको फिजिकली वहाँ जाना पड़ सकता है, जैसे भी आपके स्कूल वाले आपको कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप हम आपको ऑनलाइन सेंड कर देंगे या फिर अगर ऑफलाइन दे रहे हैं तो ऑफलाइन जाकर भी आप वहाँ स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।